दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपना एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होता है उसे किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जो भी हम लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली लैपटॉप में कंडीशन रहती है। जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो लैपटॉप जो भी हम लेते हैं तो उसमें सिंगल ड्राइव आती है, और आजकल SSD का ज़माना है तो SSD की ज़्यादा 240 यानी 240 GB 240 GB की हार्ड ड्राइव आती है, या फिर 500 GB की आती है। तो मोस्टली मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो होते हैं उनको सी पार्टीशन ज़्यादा रखना होता है, तो ज़्यादातर सी का फुल यूज होता है। जैसे ये मेरी हार्ड ड्राइव भी है, तो ये 240 GB की है, जिसका आपको दिखा रहा है 222 GB। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि पूरे पार्टीशन में हमारी विंडो सी रहती है। अब हमें एक अलग से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें कंडीशन रहती है, मान लीजिए हमारी हार्ड ड्राइव चोरी हो गई, खो गई, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें हमारा काम का डाटा होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे का हाथ अगर वो लग भी जाए तो हमारा डाटा लीक नहीं हो या डाटा का मिसयूज नहीं हो। तो मैं अभी हार्ड डिस्क लगा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हार्ड डिस्क आ चुकी है। अब ये मेरा पर्सनल डाटा भी है और अपना मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड जो डाटा है इसमें वो सारा कुछ है, यानी किसी अगर और के हाथ लग गया तो उसका मिसयूज कर ले। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंक्लूड आया है, 7 का मुझे पता नहीं, लेकिन विंडो 10 में मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि इस पर एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है, जिससे जिन भाइयों को इसके बारे में पता नहीं हो तो वो इसके बारे में अच्छे से जान लें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्न ऑन बिटलॉगर यानी फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ओपन, सेकंड ओपन इन न्यू विंडो, और ये थर्ड है अपना पिन टू क्विक एक्सेस और टर्न ऑन बिटलॉगर, इसे हमने ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो भी पासवर्ड डालना हो, ठीक है, डाल लिया, फिर सेम वही पासवर्ड मांगता, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी गलत पासवर्ड डाल लें और फिर आपको याद नहीं रहे, इसलिए कंफर्म करने के लिए ये दोबारा पासवर्ड मांगता। अब इसका ये ऑप्शन जो है ये है सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव टू ए फाइल, प्रिंट द रिकवरी की। अगर जैसे मान लीजिए सपोज डेट हम पासवर्ड भूल जाते हैं और हमारा काम का डाटा है, तो उस कंडीशन में या तो हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा या हमारे पास रिकवर का ऑप्शन होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हर किसी के कंप्यूटर में नहीं होता, किसी के में होता है, किसी के में नहीं होता। कुछ भाई ऐसे हैं जो बेचारे पायरेटेड विंडो चलाते हैं, ओरिजिनल विंडो नहीं होती तो उसमें अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे, सेव फाइल। अब इसका लोकेशन हम दे देते हैं डेस्कटॉप। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं फाइल हमारी आई या नहीं आई। देखो ये हमारी फाइल आ गई, टैक्स बन गई, इसमें सारा कुछ है हमारा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट, इस ऑप्शन को कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसे नेक्स्ट कर देना है, इसे भी कुछ नहीं करना है। पहला ऑप्शन है न्यू इनक्रिप्शन मोड बेस्ट फॉर फिक्स ड्राइव ऑन दिस डिवाइसेस, कंपैटिबल मोड बेस्ट फॉर ड्राइव कैन मूव एंड मूव्ड फ्रॉम द डिवाइसेस। ठीक है, तो नीचे वाले ऑप्शन हमें रखना है और यहाँ पर क्या कर देना है, हमें स्टार्ट इनक्रिप्ट। ये हमारा इनक्रिप्ट चल रहा है, इसे कंप्लीट होने दीजिए। दोस्तों बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है ये, और इजी यूज़ है, और सिक्योरिटी इसकी बहुत टाइट है, आसानी से हमारा डाटा कहीं पर भी लीक नहीं होगा अगर हमारी बाय द वे किसी
एक्सीडेंटली हार्ड डिस्क कहीं खो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पार्ट्स ही तो है, पार्ट्स कहीं पर भी जा सकता है। तो लेकिन हमारा डाटा नहीं जाना चाहिए। तो सबसे सेफ मुझे सॉफ्टवेयर लगा, इसलिए सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बना सकूँ जिससे कि मेरे भाइयों की हेल्प हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली ज़्यादातर मेरे भाई लैपटॉप ही यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम मार्केट से कोई लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसमें सिंगल पार्टीशन आता है। बाद में वो बात अलग है कि हम पार्टीशन बना लें, लेकिन उसमें फिर दिक्कत ही रहती है कि किसी से हमारा जो जेनुइन विंडो होती है उसका की या बैकअप नहीं ले पाते, तो फिर उससे दिक्कत रहती है। तो बहुत से लोग उसे फॉर्मेट ही नहीं करते, सिंगल पार्टीशन भी चलाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल पार्टीशन भी चलाइए, अलग से एक हार्ड डिस्क ले लीजिए 500 GB या आपका बन TV, जैसा आपको यूज़ के हिसाब से हो। तो उसमें अपना पर्सनल जो भी काम का यूज़ का डाटा उसमें डाल सकते हैं। इससे ये रहेगा, खाली अगर आप ऑनलाइन का सिंगल काम कर रहे हैं, आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो आप हार्ड डिस्क रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर फास्टर चलेगा, लोड नहीं लेगा, बैटरी बैकअप भी सही देगा। अलग से कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव लगाएंगे तो वो करंट भी लेगा, और उसमें जो स्पीड होगी सिस्टम की वो भी थोड़ी थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चल रहा है, जब तक के लिए थोड़ी सी वीडियो में पॉज कर देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। तो दोस्तों अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो अब इसके लिए पहले हार्ड डिस्क को हम हटाएंगे, और हार्ड डिस्क को हम लगाते हैं, इतना आता है नहीं आता, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इसमें डबल क्लिक करेंगे हम, तो पासवर्ड मांग रहा है, दोस्तों हमारे पूरे तरीके से आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सारा डाटा हमारा हमारे यूज का है। तो हमारा सारा डाटा एकदम यूजफुल है, जो हमारा डाटा इसके अंदर था, कोई भी डाटा हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोगों से जान चाहता हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका पासवर्ड कैसे चेंज किया था, या इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।